हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उपासना शर्मा, करंटली वर्किंग इन DFCCIL एज एग्जीक्यूटिव S&T। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो DFCCIL है कि आखिरकार DFCCIL बना क्यों, इसके बनने के पीछे की वजह क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे में हमारी गुड्स ट्रेनें भी चलती हैं और पैसेंजर ट्रेनें भी चलती हैं। जो इंडियन रेलवे की जो टोटल अर्निंग का 70% हमारी गुड्स ट्रेनों से करते हैं, जबकि 30% वो हमारे पैसेंजर ट्रेनों से करते हैं। इसके बावजूद हमारे पैसेंजर ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए काफ़ी चीज़ों का मेंटेनेंस में काफ़ी खर्च होता है, काफ़ी ध्यान रखा जाता है इसमें। हमें पैसेंजर की सेफ्टी के लिए हमें लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है, हमें टीटी की ज़रूरत पड़ती है, केटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, टॉयलेट्स की क्लीनिंग के लिए भी हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के इसमें काफ़ी मेंटेनेंस खर्च आता है। यूँ कहा जाए कि हमारे पैसेंजर ट्रेनों में 110% की मेंटेनेंस की ही लागत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हम जितना इससे अर्न नहीं करते, इससे ज़्यादा हम इसके मेंटेनेंस में लगा देते हैं, जबकि हमारे गुड्स ट्रेनों में ऐसा कुछ भी मेंटेनेंस के लिए हमें नहीं चाहिए होता। जस्ट हमारे ड्राइवर होते हैं और गार्ड होते हैं, ऐसे कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन इसमें सेफ्टी के लिए या फिर कुछ भी क्लीनिंग के लिए हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। हमें ये भी पता है कि रेलगाड़ी एक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही अच्छा मीडियम है। इसके बावजूद भी आजकल लोग रेलगाड़ी का यूज़ अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए यूज़ नहीं करते। इसकी जो सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि ये बहुत टाइम लेती है, क्योंकि इसका ना ही कोई टाइम टेबल है, ना ही कुछ भी शेड्यूल है, कब कहाँ पे कितनी देर रुक जाए, कुछ भरोसा नहीं होता इसका। इसलिए लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कि वो अपने सामानों को ट्रक के से ही भेज दें। जबकि अगर देखा जाए तो रेलगाड़ी सबसे लो कॉस्ट पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके बावजूद टाइम को सेव करने के लिए लोग ट्रक का यूज़ करते हैं, जबकि ट्रक जो है इससे 10 गुना ज़्यादा दाम पर या 10 गुना ज़्यादा लागत पर एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को भेजती है। इन सब को देखते हुए कि हमारी जो रेलगाड़ी एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम होने के बावजूद भी यूज़ नहीं हो पा रही है, जो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में भी अफेक्ट कर रही है, क्योंकि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह टाइम पे नहीं पहुंच पा रही, चीज़ें टाइम से हो नहीं पा रही है। तो ये सारी चीज़ें इन ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को डेवलपमेंट में अफेक्ट कर रही है और काफ़ी चीज़ों को अफेक्ट कर रही है। इन सब को ध्यान में रखते हुए 2006 में मनमोहन सिंह के टाइम पर DFCCIL की आधारशिला रखी गई, बट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक दो दिन में तो शुरू नहीं हो सकता। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, लैंड एक्विजिशंस चाहिए करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक दो दिन का काम नहीं होता है, काफ़ी काम होता है। तो जब हमारे जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी जब आए, तो उन्होंने उनका ध्यान इस प्रोजेक्ट पर गया, उन्हें प्रोजेक्ट काफ़ी ही सही लगा, अच्छा लगा, उन्होंने इसके बनने में काफ़ी तेज़ी लाई। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें DFCCIL में तो दो कॉरिडोर्स पे काम चल रहे हैं। एक कॉरिडोर हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर है, एक वेस्टर्न कॉरिडोर है। जो हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर है वो पंजाब के लुधियाना से वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक है, जिसकी जो हमारी टोटल लंबाई है वो 839 किलोमीटर है। जबकि जो हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर है वो दादरी जो आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में है से लेकर के JNPT मुंबई तक है, इसकी टोटल लंबाई 1504 किलोमीटर है। हम देखें JNPT हमारा सबसे ही मॉडर्नाइज पोर्ट है, जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ से हमारे जो भी सामान आते हैं और वो यहीं पे इंपोर्ट होते हैं और फिर यहाँ से हमारे कंट्री के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है। बट हमें दूसरे हिस्सों में भेजने के लिए भी हमें एक मीडियम चाहिए। हम ट्रक से पहले हम मालगाड़ी के लेट होने की वजह से हम ट्रकों से भेज रहे थे, जिसमें हमारी बहुत लागत लग जाती थी एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। बट इसके बनने से माल DFCCIL के बनने से ये सामानों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ईज़िली और कम दामों में भेज सकते हैं। जैसा कि आपको नाम से भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा है कि DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मीन्स डेडिकेटेडली ये गुड्स ट्रेनों के लिए ही एक एक कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसपे कि सिर्फ और सिर्फ
कुछ ट्रेनें ही दौड़ेंगी और कोई भी ट्रेनें इस पे नहीं आएंगी। इसका सीधा सीधा मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि जो भी हमारे जो हमारा पहले टाइम लगता था 2 दिन 3 दिन, अभी वो शायद 1 दिन हो जाएगा। और सामानों का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वो बहुत ही इजीली बहुत ही कम टाइम में होना शुरू होगा। अगर हम कंपेयर करें, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार मालगाड़ी चल रही है, पहली बार मालगाड़ी हमारे एक जगह से दूसरी जगह सामानों को ले जा रही है। बट ऐसा एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि हाँ भाई टाइम कम लेगा। बट और क्या, सिर्फ टाइम? हम ये भी कर सकते थे कि इंडियन रेलवे में कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी बनाए कि वो टाइम कम ले ले, या फिर तो एक्चुअली वैसे DFC को इसलिए तो नहीं लाया जा सकता कि वो टाइम कम ले रही है, और भी कई फीचर्स ऐड किए होंगे DFC ने मालगाड़ी में। तो अगर हम कंपेयर करें एग्जिस्टिंग जो IR में जो हमारी गुड्स ट्रेनें चल रही है और जो DFC में गुड्स ट्रेनें चलेंगी, उसमें क्या क्या है? जो हमारे हाइट है गुड्स ट्रेनों की, पहले 4.265 थी, बट अभी DFC में एक डबल स्टैक है, मतलब डबल डेकर ट्रेनें भी चलेंगी और सिंगल भी चलेंगी। डबल डेकर की 7.1 है, सिंगल की 5.1 है। इवन हम सिंगल का कंपेयर करें, वो स्टिल एग्जिस्टिंग IR के हाइट से ज़्यादा है। जो हमारी ट्रेनों की विड्थ है वो भी ज़्यादा है। कंटेनर ट्रेन लेंथ पहले 700 मीटर्स थी, अभी जो DFC में वो 500 मीटर्स है, मीन्स डबल से भी ज़्यादा है। ट्रेन लोड भी हमारा 5400 टन था, अभी 13,000 टन है। मीन्स अगर हम इन टोटल देखें तो हर तरीके से DFC एक बेटर फीचर प्रोवाइड कर रहा है, एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है हमारे जो भी सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मीडियम, एक बहुत ही अच्छा मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। जैसे पहले हम जहाँ पे हम DFC के लाइनों के थ्रू या DFC के थ्रू हम बहुत ही मीन्स डबल हम चीज़ों को भेज पा रहे हैं। डबल जहाँ पे हम एक चीज़ भेज पा रहे थे, अभी हम उसके जस्ट डबल क्वांटिटी में चीज़ें भेज पाएंगे। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड भी एग्जिस्टिंग IR में मैक्सिमम स्पीड जो थी वो 75 किलोमीटर पर आवर थी, बट DFC में मिनिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। हालांकि 100 किलोमीटर तो नहीं, ज़्यादातर 80 KMPH पे चलाई जाइए, बट स्टिल ज़्यादा है। बट अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि चलो भाई ठीक है, डबल डेकर ट्रेनें भी चल रही हैं, सब कुछ चल रही है, तो क्या हमारी वो पहले के इंजन ही यूज़ होंगी? क्योंकि वो तो इंजन सारी सिंगल स्टैक के लिए ही थी या पैसेंजर ट्रेनों के लिए ही थी। इतने ज़्यादा टन, इतने ज़्यादा माल को वो कैसे खींचेगी? ऐसा क्या फिर होगा? तो इसके लिए भी DFC ने हमारे ध्यान दिया, इस पर भी ध्यान दिया गया। बिहार के मध्यपुरा में 1200 पार का इंजन बनाया गया, एल्स्टॉम, जो एक फ्रांस की कंपनी है उसके द्वारा उसको टेंडर दिया गया। उसने VAC-12 नाम के इंजन को बनाया। और इसमें एक खास बात यह कि ये डीजल से नहीं चलेगा, ये हमारी इलेक्ट्रिक इंजन होगी, जिससे जो हम डीजल पे जो हम खर्च करते थे, जो हम डीजल को प्रोवाइड करने के लिए जो हम लागत देते थे, वो अब इलेक्ट्रिक इंजन के चलने से वो लागत कम हो जाएगी। और वो लागत तकरीबन 12,000 करोड़ थी, जो अब वो नहीं खर्च होगी इन इसके इलेक्ट्रिक इंजन के चलने से। और अगर हम इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली ये डीजल इंजन नहीं है, कोई भी धुआं नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो इन्वायरमेंट पर्पज़ से भी ये बहुत ही सेफ़ है। DFC ने एक ये भी प्रॉमिस किया कि हम जो सामान है हम उसको 24 घंटे में ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बट ये पॉसिबिलिटी तब हुआ है जब कोई उनसे हिंड्रेंस ना हो, कुछ भी कहीं भी ट्रेन रन थ्रू दौड़े या फिर कहीं भी कुछ भी डिले ना हो। इसके लिए जो भी हमारे लेवल क्रॉसिंग गेट्स होते हैं उसको उन्होंने ROB या RUB में, ROB मीन्स रोड ओवर ब्रिज, मीन्स रोड के ऊपर से लाइनें जाएंगी, और RUB मीन्स रोड अंडर ब्रिज, मतलब रोड के नीचे से लाइनें जाएंगी। तो मतलब कि जो हमारा जो यातायात है, जो लोगों का आना जाना है, वो इस ट्रेन से अफेक्ट नहीं होगा। लोग अपना आते जाते रहेंगे और ट्रेनें भी अपनी आती जाती रहेंगी। इन दोनों की वजह से कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। इसमें एक DFC में एक बहुत ही देखा जाए तो
वहाँ पे हरियाणा के अरावली पर्वत में एक दिक्कत आ रही थी कि वहाँ पे एक पूरा का पूरा पर्वत आ रहा था। जब डीएफसी ने उसको ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढा कि घुमा कर ले जाया जाए, बट घुमा कर ले जाने में 40 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही थी। तो डीएफसी में उस एक एक सुरंग बनाई गई जिससे सिर्फ 1 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई। और इसमें ठीक है, चलो आप ये बोल रहे हो कि चलो सुरंग भी बना दी, इसमें क्या खास बात है। इसमें खास बात ये है कि इसमें डबल स्टैक ट्रेनें चलेंगी, और डबल स्टैक के साथ साथ वो इलेक्ट्रिक डबल स्टैक चलेगी। मतलब ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ही अपने आप में ही है डीएफसी के लिए। और ये जो सुरंग बनाई गई है, ये हरियाणा के सोहना में बनाई गई है। इसके बाद से एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि चलो ये सब ठीक है, ये सब बना, फिर इसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें जगह चाहिए होगी कि ये पूरा कॉरिडोर कहीं से तो कंट्रोल होगा, इस पे जो ट्रेनें चल रही कहीं से तो कंट्रोल होंगी कि भाई कहाँ फॉल्ट हुआ, कहाँ पे क्या दिक्कत आई है। क्योंकि ट्रेनें चल रही हैं, मैन मेड चीज़ें, कहीं ना कभी फॉल्ट आएगी, कभी ना कभी कोई दिक्कत तो आएगी, तो ये कहाँ से कंट्रोल होगा। तो इसके लिए भी बनाया गया ईस्टर्न कॉरिडोर के लिए ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बनाया गया, जो कि इलाहाबाद में है। और वेस्टर्न कॉरिडोर के लिए जो हमारा ओसीसी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बनेगा वो अहमदाबाद में बनेगा। बट अभी अहमदाबाद में वहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन अभी ईस्टर्न कॉरिडोर का जो ओसीसी है, जो कि इलाहाबाद में है, वो हमारा बन के तैयार है। वहाँ पे वो ऑपरेशन कंट्रोल किया जा रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं। अगर हम इन फ्यूचर प्रोजेक्ट की इन अगर हम फ्यूचर में देखें, फ्यूचर कॉरिडोर्स के बारे में देखें, तो हमारे एक फ्यूचर कॉरिडोर दिल्ली से चेन्नई होगा, एक फ्यूचर कॉरिडोर हावड़ा से चेन्नई होगा, कुछ एक मुंबई से चेन्नई होगा, एक दिल्ली से मुंबई होगा, एक दिल्ली से हावड़ा होगा। अगर हम इस फिगर को देख रहे हैं, इसको तो देखा जाए तो ये सारी मेजर सिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर रही है, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट कि सारी मेजर सिटीज़ एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। तो और हम ये भी देखते हैं कि मोस्ट ऑफ़ द प्रोडक्शंस जो होती है वो मेजर सिटीज़ में ही होती हैं। तो ये सारी मेजर सिटीज़ को एक तरह से आपस में कनेक्ट कर रही हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे काफ़ी फ़ायदा होगा कंट्री को, काफ़ी इजी हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। और हमें ये भी पता है कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो कंट्री इंटरनेशनल के लिए तो ठीक है, हमारे शिप यूज़ हो रहे हैं, बट ठीक है वो बाहर से आ गया, वो किसी पोर्ट पे आके उसको सामान को उतार दिया गया, बट वहाँ से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए तो हमें कोई मीडियम चाहिए होगा, या तो ट्रक चाहिए होगा, या तो ट्रेनें चाहिए होंगी। तो डीएफसी के बनने से वो काम भी बहुत आसान हो जाएगा, शिप्स जल्दी जल्दी आएंगी, सामान जल्दी जल्दी उतरेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, हमारी कंट्री से वो जल्दी से दूसरी कंट्री में पहुंचेंगे। तो इससे ओवरऑल हमारी कंट्री का ही डेवलपमेंट होगा। तो यस, डीएफसी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही एक कह सकते हैं कि डीएफसी एक कह सकते हैं कि एक ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अभी एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि डीएफसीसीएल एक में अभी काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसीज आई है, तो इससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं आगे डालूंगी, इसके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कुछ जीके के क्वेश्चंस। तो या स्टे ट्यून विद माय चैनल। थैंक यू।